तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है नए टॉपिक के साथ। और जैसा कि दोस्तों आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि आप लोगों को जानना था कि ट्रिमिक्स फ्लोरिंग या फिर वीडीएफ फ्लोरिंग क्या होती है, इसका यूज कहां पर है, तो दोस्तों इसको आज मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, यानी कि स्टार्ट टू एंड। और इसके लिए मैंने प्रॉपर एक पूरी स्लाइड बनाई हुई है, यानी कि किन टाइप के प्रोजेक्ट्स में आपका यूज होता है, इसके लिए कौन कौन से इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है और इसका एक पूरा प्रोसेस क्या है। तो जैसे कि अब मैं एक बार आपको स्लाइड का गो थ्रू करा देता हूँ, यानी कि कौन कौन सी चीज़ों के बारे में आपको पता चलने वाला है आज की वीडियो में। और कोशिश करें इस वीडियो को आप पूरा देखें ताकि जो इसका एक कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो सके। और इसी के लिए मैंने एक किसी फैक्ट्री की ड्राइंग उठाई हुई है, यानी कि ये वीडीएफ फ्लोरिंग की ड्राइंग है जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं। और इसमें आपको ये भी पता चलेगा कि कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स क्या होते हैं, कंट्रोल जॉइंट्स क्या होते हैं, और आपका जो एक्सपेंशन जॉइंट यानी कि फ्लोरिंग में जो एक्सपेंशन जॉइंट दिए जाते हैं तो वो सारी चीज़ें क्या हैं। इसके अलावा मैं आपको और इसमें एक्सप्लेन करूंगा, यानी कि ये जो आप इसमें गौर से देखेंगे तो इसमें ये डायमंड्स दिख रहे हैं, तो यानी कि ये जो डायमंड्स हैं यानी कि इस वाले डायमंड्स को आप देख सकते हैं इस वाले पॉइंट पे, यानी कि इधर हमारा ये दिया हुआ है इस वाले एरिया में। तो इन डायमंड्स का पर्पज क्या होता है फ्लोरिंग में देने का, और दूसरा जो हमारा एक सेक्शन होता है यानी कि वीडीएफ फ्लोर का सेक्शन, तो वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको इसके थ्रू, यानी कि इस सेक्शन के थ्रू के बेसिस पे। तो कोशिश करें इस वीडियो को पूरा देखें ताकि ट्रिमिक्स फ्लोरिंग से जुड़ा हुआ जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपको प्रॉपर पूरी तरह से क्लियर हो जाए और इन फ्यूचर आपको कभी भी किसी टाइप की प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए दोस्तों आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि ट्रिमिक्स या फिर वीडीएफ फ्लोरिंग हम करते कहाँ पर हैं और इसके लिए कौन कौन से मटेरियल्स की जरूरत होती है जो हमारे कॉमन केसेस में यूज होते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, यानी कि जो आपका वीडीएफ फ्लोरिंग का बेस है उसके नीचे या तो WBM होगा या फिर PCC होगा वीडीएफ फ्लोर के अंडर। इसके बाद में अगर उसमें WBM है तो उसमें आपकी पॉलीथीन शीट मैंडेटरी होती है, यानी कि पॉलीथीन शीट का पर्पज़ क्या है मैं आपको बता देता हूँ, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। तो ये पॉलीथीन शीट में आप देख रहे हैं कि नीचे का जो एरिया है वो मिट्टी यानी कि WBM का कॉम्बिनेशन को रेडी किया गया है। बेसिकली ये एक मॉइस्चर बैरियर है, यानी कि सॉइल से जो भी मॉइस्चर आएगा किसके लिए, इस रेनफोर्समेंट स्टील के लिए, तो वो उसको क्या करेगा, बियर करेगा, उस मॉइस्चर को रोकेगा ताकि ये जो आपका स्टील है जल्दी से जंग लग के खराब ना हो जाए। तो सबसे पहला पर्पज होता है, यानी कि सबसे पहला टेक्निकल पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि अगर आपका वीडीएफ के अंदर WBM यूज हो रहा है तो आपको पॉलीथीन शीट जरूर रिक्वायरमेंट करनी होती है। दूसरा, जब आपका जनरल केसेस में यानी कि जो आपके इंडस्ट्रियल फ्लोर्स होते हैं और जो आपकी बेसमेंट की कार पार्किंग होती हैं तो उसमें जो कॉन्क्रीट की ग्रेड है वीडीएफ की वो M20 से लेके 25 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर की ग्रेड की होती है। इसके अलावा जब हम लोग चले जाते हैं हाईवे के केसेस में, हाईवे इन द सेंस हम समझ सकते हैं यानी कि जो हमारे रोड का काम होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रोड का काम चल रहा है, मैं और भी दिखा देता हूँ आपको, यानी कि ये जो आप रोड का काम देख रहे हो, तो इस काम के लिए यानी कि जो आपका हाईवेज हैं या फिर जो आपके एयरपोर्ट्स हैं तो उसमें आपकी जो कॉन्क्रीट की ग्रेड होती है वीडीएफ की M30 से लेके 60-80 ग्रेड तक भी चली जाती है, वो डिपेंड करता है वो हैवी ड्यूटी है या लाइट ड्यूटी है। इसके बाद में जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यानी कि इसका जो स्लम्प रेंज है, स्लम्प रेंज मीन यानी कि जो उसका स्लम्प है वो 25 से 40 mm के बीच में रहता है, क्योंकि इसका जो वर्ड है यानी कि हम इसमें क्या करते हैं, वैक्यूम डिवाटरिंग, पानी को हम सक्शन कर लेते हैं, तो इसीलिए यानी कि वीडीएफ का जो फुल फॉर्म है वैक्यूम डिवाटरिंग फ्लोरिंग, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं VDF, यानी कि पानी को हमें क्या करना होता है, सक्शन करना होता है, और वो मैं अभी आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा, पहले हम बेसिक क्लियर कर लेते हैं। इसके बाद में हमारी होता है एक हार्डनर, हार्डनर बेसिकली हमारा यूज होता है फैक्ट्री बिल्डिंग के प्रोजेक्ट्स में जहां पर हमें एक मिरर फिनिश चाहिए होती है। बेसिकली हार्डनर एक रोल प्ले करता है ड्यूरेबल फिल्म को क्रिएट करने का फ्लोर के ऊपर, वो कैसे है मैं भी आपको बताऊंगा। इसके बाद में इसमें जो जॉइंट्स थे यानी कि जैसा कि मैंने आपको ड्राइंग में दिखाया था, कंस्ट्रक्शन जॉइंट, कंट्रोल जॉइंट एंड एपॉक्सी जॉइंट, एक्सपेंशन जॉइंट, तो ये जब जॉइंट्स आपके बनेंगे तो इसमें आपको ट्रीटमेंट कैसे करना है, बेकर रॉड देनी होती है, पॉलीसल्फाइड भरना होता है उसकी ग्रूव फिलिंग में, तो ये सारी चीज़ें भी हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं यानी कि सबसे पहली वाली स्लाइड से, यानी कि दो चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी,
कि एक तो हमारा ये वीडियो फ्लोर यूज होता है फैक्ट्री बिल्डिंग्स के प्रोजेक्ट्स में मेजर केसेस में, दूसरा आपकी जो रोड या फिर हाईवेज के प्रोजेक्ट हैं उन केसेस में, तीसरा अब हम बात करते हैं इक्विपमेंट्स की। तो इक्विपमेंट में मैं सबसे पहले समझाऊंगा पॉइंट नंबर 1 और 2 को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है साइट इंजीनियरिंग के रोल के लिए, यानी कि जो एमएस के सी चैनल और ऑटो लेवल मशीन का क्या रोल है, तो इसको हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, कभी भी आप जब ट्रिमिक्स फ्लोरिंग को कास्ट करते हैं तो बेसिकली इसमें एक पर्पज होता है, यानी कि इसमें आप देख रहे होंगे कि इस वीडियो फ्लोरिंग जो आपकी कास्ट हो रखी है तो इसके एज पे एक आपका एमएस का एंगल सेट किया हुआ है, और ये काफ़ी भारी होता है, यानी कि इसकी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है। किसको, यानी कि जो आप इसके अंदर, यानी कि एक एमएस का चैनल आपका लगा हुआ है इस तरफ और एक लगा हुआ है आपका दूसरी तरफ, तो इतनी ड्यूरेबल होता है कि इसमें जो भी मूवमेंट होगी आपकी इस कंक्रीट को कास्टिंग में या जो भी इसके ऑपरेशन में, तो ये उस एमएस जो ये एमएस का एंगल है तो उन सारी एक्टिविटीज को लोड को प्रॉपर पूरा बियर करता है। दूसरा, इस चैनल को यूज करने का पर्पज क्या है, यानी कि अगर आप इस फैक्ट्री के फ्लोर को देख रहे हैं तो इसका जो लेवल है वो प्रॉपर पूरा मेंटेन किया हुआ है, यानी कि ये पूरा 0-0 लेवल में होना चाहिए जो एक रिक्वायरमेंट होती है। तो इस लेवल को जो मेंटेन रखेगा वो भी हमारा काम होता है इस एमएस के एंगल का, यानी कि कभी भी आप जब टोटल स्टेशन को यूज करोगे उस वीडियो फ्लोर को लेवल करने के लिए, तो आपको इस एमएस चैनल की जो टॉप एज होगी उसको आपको 0-0 मेंटेन करके चलना होता है। तो सबसे पहला हमारा यूज हो जाता है यानी कि एमएस चैनल्स और ऑटो लेवल मशीन्स का। इसके बाद में फिर हमारी क्या होती है, कॉन्क्रीटिंग स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद में हमें जरूरत पड़ती है सरफेस वाइब्रेटर की। सरफेस वाइब्रेटर मैं आपको दिखा देता हूँ, यानी कि जो सरफेस वाइब्रेटर है ये है आपका ये, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो कॉन्क्रीट इसने पोर की हुई है, यानी कि इस वाले पैनल में, यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं, यानी कि इस जो ड्राइंग में आप जो देख रहे हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कलर के शेड्स हैं, तो ये जो भी एक डिजाइनर है तो उसने बताया है आपको पैनल कैसे कैसे बनाने हैं, तो इन्हीं पैनल्स में आप समझ सकते हैं कि ये उसी एक किसी ड्राइंग का पैनल है। तो उसमें जो फ्लोरिंग जब कॉन्क्रीट पोर हो जाएगी तो उसको आपको क्या करना होता है, पूरा एक वाइब्रेट करना होता है। तो उसमें केस में आपका यूज होता है सरफेस वाइब्रेटर। तो सरफेस वाइब्रेटर के बाद में जो अगली हमारी रिक्वायरमेंट आ जाती है वो है हमारी वैक्यूम डिवाटरिंग पंप विथ मैट, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैटर करती है वीडीएफ के केस में। अब मैं बताता हूँ आपको ये कैसा होता है, ये कैसे काम करता है। बेसिकली ये जो पंप है कुछ इस टाइप का दिखता है, और इसमें जो ये पाइप लगा हुआ है तो वो डायरेक्ट जाके आपका कनेक्ट हो जाता है इस मैट से, और जब आपकी कंक्रीट वाइब्रेट हो जाती है तो इस वाइब्रेट होने के बाद में, यानी कि ये वाइब्रेटर आगे की तरफ चलता जाएगा और मैट इसके पीछे पीछे सीक्वेंस में चलेगी, यानी कि जब आपकी कंक्रीट पूरी तरह से बिछ जाएगी तो इस मैट को हमें क्या करना होता है, इस पर बिछा देना होता है, और जो ये पंप है इसका जो पानी है यानी कि एडिशनल वाटर है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको बाहर निकाल के फेंक देता है। उससे बेनिफिट क्या होता है कि जो एक अंडुलेशन आती है फ्लोरिंग में, यानी कि 1 mm की 2 mm की, तो उन सारी चीज़ों को कवर कर लेना है और आपकी जो कंक्रीट है वो बहुत ही ज़्यादा डेंस हो जाती है, मजबूत, यानी कि अच्छा रिजल्ट देती है फॉर टीयर एंड वियर या फिर आपके रफ एंड टफ यूज के लिए। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं VDF या फिर वैक्यूम डिवाटरिंग फ्लोरिंग। तो इसमें आपके ये दो इक्विपमेंट्स यूज होते हैं। इसके बाद में हमारी जो अगली स्टेप आ जाती है आपकी फ्लोटर की। फ्लोटर बेसिकली क्या है, एक ग्राइंडिंग मशीन है। अब मैं मान लेता हूँ ये जो आपका RCC का पैनल है इसकी आपकी VDF की जा चुकी है, अब इसमें पानी की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं है, तो फिर आपका ये फ्लोटर चलाया जाता है, और फ्लोटर बेसिकली पूरा एक आपकी प्लेट होती है, यानी इस मशीन के नीचे जो ये फ्लोटर चलेगा ये पूरी एक राउंड प्लेट है, वो बेसिकली पूरे फ्लोर को ग्राइंडिंग करेगी, यानी कि उसके जो भी एग्रीगेट्स हैं या उसमें जो कोर सैंड है तो उसको एक यूनिफॉर्म लेवल में लाने के लिए इसकी प्रॉपर पूरी ग्राइंडिंग कर देती है कि जिसमें एक यूनिफॉर्म सीक्वेंस आ जाए उसमें। तो इसका प्रॉपर यूज होता है हमारा फ्लोटर का, और इसको हम ट्रॉवल फिनिश भी बोलते हैं। ट्रॉवल फिनिश के बाद में जो अगला स्टेप हमारा आ जाता है पावर फ्लोटर मशीन। पावर फ्लोटर जो मशीन होती है ये बेसिकली हमें फाइनल फिनिश देने के लिए करती है, और इसमें हमारे ये 4 ब्लेड होते हैं जैसे कि आप इसमें देख रहे हो, जबकि जो ऊपर वाले फ्लोटर में आप देखोगे तो ये पूरी एक राउंड प्लेट होती है अगर आपने साइड पे कभी देखा हो तो, और इस केस में इसमें आपके 4 ब्लेड होते हैं जो इसको एक प्रॉपर पूरा फिनिश देते हैं। और इसका जो यूज है मैं आपको बता दूँ कि जो पावर फ्लोटर सबसे अच्छा जो काम करता है बेसिकली यूज किया जाता है आपके हार्डनर के लिए, यानी कि जो आपका
सिक्स नंबर का पॉइंट है। हार्डनर बेसिकली एक पाउडर होता है, यानी कि एक पाउडर है वो, यानी कि जब आपका ये ट्रावल फिनिश वाला काम कंप्लीट हो जाता है, सारी चीज़ें सेट हो जाती हैं, तो इसके ऊपर हम हार्डनर को पूरा स्प्रेड करते हैं, मतलब ये एक पाउडर की तरह। फिर उसके बाद में जो आपका जो ये वाली पावर फ्लोटर है जब चलेगा, तो उसमें एक प्रॉपर पूरी साइन आ जाती है, किसमें, आपके फ्लोर में। तो ये बेसिकली यूज होता है पावर फ्लोटर का। अगर आप नहीं भी हार्डनर यूज कर रहे हैं तब भी आपको इसको यूज करना होता है अपनी फाइनल फिनिश के लिए। इसके बाद में जो अगला स्टेप है हमारा, अगर इनकेस हम जो हाईवेज या फिर जो रोड के काम में अगर हम यूज कर रहे हैं वीडीएफ को, तो हमें वहां पर ब्रूम फिनिश देनी होती है। यानी कि अगर आप फैक्ट्री के अंदर देखोगे तो इसकी जो फिनिश है उसमें ब्रूम फिनिश नहीं होता है, और उसका रीजन क्या है मैं भी आपको बताऊंगा। यानी कि आप कभी भी किसी भी आरसीसी के हाईवे या फिर एयरपोर्ट्स वगैरह में जाएंगे तो उसमें आपको ये हमेशा ब्रूम फिनिश देखने को मिलेगी, क्योंकि उसका पर्पज क्या है कि उसमें जो आपका एक फ्रिक्शन है, यानी कि टायर जब ब्रेक लगाएगा तो उसकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए, और जब गाड़ी आपकी चलती है तो वो भी आपकी अच्छे से चलनी चाहिए। तो ये बेसिकली हमारा पर्पज होता है ब्रूम फिनिश को देने का, और इसके लिए हमें एमएस वायर के ब्रश की जरूरत पड़ती है। इसके बाद में जब हमारी फ्लोरिंग भी कास्ट हो जाती है, सब कुछ रेडी हो जाता है, तो फिर जो बात आ जाती है हमारे इन जॉइंट्स की, यानी कि कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स क्या हैं, कंट्रोल जॉइंट्स क्या हैं, एक्सपेंशन जॉइंट्स क्या हैं, तो यानी कि फिर हमें काटने होते हैं इसमें ग्रूव। यानी कि ये आप देख रहे हैं ये जो मशीन चल रही है ये बेसिकली एक ग्रूव कटिंग मशीन है, और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं ये फ्लोर में ग्रूव काट रहा है। ये ग्रूव क्यों काटे जाते हैं, इसका पूरा एक कनेक्शन होता है फ्लोर में क्रैक आने को रोकने के लिए। और इस ड्राइंग में जो आप ये पैनल देख रहे हैं, यानी कि जो इसने पैनल बनाए हुए हैं अलग अलग साइज के, तो मैं उसके साइज भी आपको दिखा देता हूँ, ड्राइंग में इसने मेंशन कर रखे होंगे, यानी कि ये 3600x3600x4500, तो इसने एक प्रॉपर पूरे साइज दिए हुए हैं कि आपको इस सीक्वेंस में फ्लोर डालना है, और इसका जो ग्रूव कटिंग है, यानी कि चाहे वो आपका कंट्रोल जॉइंट्स का ग्रूव हो चाहे कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स का ग्रूव हो, तो वो सारी चीज़ें प्रॉपर पहले ही एक्सप्लेन कर देगा, जिससे कि इन फ्यूचर आपके फ्लोर में क्रैक ना आए। वो क्यों नहीं आएंगे वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, सपोज मैं एक तरफ से अपनी फ्लोरिंग स्टार्ट करता हूँ, मान लीजिए इस वाले पैनल से, तो इसमें क्या होगा कि सपोज ये पैनल अगर मैं कास्ट करूँगा तो इस साइड पे, यानी कि जो ऊपर वाले एरिया में देख रहे हो आपकी ब्रिक वॉल है, और आपका जो एमएस का एंगल लगेगा वो इस वाली एज पे लगेगा। तो इस वाली एज पे जब आपका एमएस का एंगल लग जाएगा, यानी कि आप समझ सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है आपका एमएस का इस एज पे लगा हुआ है, तो ये फ्लोर आपका कास्ट हो जाएगा। इसके बाद में जब अगले दिन आप ये वाला फ्लोर जब कास्ट करोगे, तो इस जगह पे जो जॉइंट बनेगा, यानी कि ये डिपेंड कर रहा है कि कंक्रीट आप कहाँ पर स्टॉप कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग, जैसा कि ये दिखा रहा है, यानी कि जब एक पैनल आपका ये कास्ट होगा, एक ये कास्ट होगा, तो ये अल्टरनेट बेसिस पे कास्ट होंगे। तो इस बेसिक में जो आपका जॉइंट बनेगा, यानी कि आरसीसी की, चाहे आपकी स्लैब हो, चाहे आपकी आरसीसी की रिटेनिंग वॉल हो, चाहे आपका कॉलम हो, चाहे आपका फ्लोर हो, जहां पर आपकी आरसीसी स्टॉप होती है, उसके बाद में फर्दर जब आप कंक्रीट स्टार्ट करते हो, तो उस पॉइंट पर जो जॉइंट आता है उसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स। इसके बाद में जो दूसरा है हमारा, यानी कि कंट्रोल जॉइंट्स। देखिए कंट्रोल जॉइंट्स बेसिकली क्या है, मैं आपको ऐसे समझिए, देखिए पर्पज क्या होता है कि फ्लोर में क्रैक्स किसी भी केस में ना आए। तो जब आपका जो पहला पैनल डाला जाएगा, ये मैक्सिमम जो एक रिकमेंडेड लेंथ होती है, यानी कि इस पैनल की पूरी, यानी कि इसमें जो आप एक लेंथ देख रहे हो, यानी कि यहाँ से लेके ये पूरी लेंथ 15 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए प्रैक्टिकल के केस में। और जब ये आपका पूरा 15 मीटर का डाल दिया जाएगा, या जो भी उसकी लेंथ होगी, तो उसमें 4.5-4 या फिर 6-6 मीटर पे आपके ग्रूव्स और काट दिए जाते हैं। उसका पर्पज यही होता है कि उसमें जो भी एक्सपेंशन है या फिर कॉन्ट्रेक्शन है, तो वो उसको एक कंट्रोल कर सके, तो जिससे कि फ्लोर में आपके क्रैक आने के चांस बच जाते हैं। और ये जो एडिशनल ग्रूव काटे जाएंगे, इसको ही बोलते हैं कंट्रोल जॉइंट्स। अब बात आती है कि एक्सपेंशन जॉइंट क्या होता है, यानी कि जो आप जैसे कि ये देख रहे हैं, ये जो एक्सपेंशन जॉइंट इसने लिखा हुआ है,
अब मैं फैक्ट्री को थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ जिससे कि आपको पूरी फैक्ट्री का प्लान दिख जाए इसमें। तो जैसे कि इसने ये बताया हुआ है कि एक्सपेंशन जॉइंट एक आपका ये सेंटर में रहेगा, यानी कि इस वाली लाइन में पूरा, और एक दिया हुआ है इस वाली लाइन में। तो यानी कि जैसे कि ये एरो में दिखा रहा है, जैसे कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। तो बेसिकली इसका जो पर्पज रहेगा, यानी कि अब मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखेंगे क्योंकि बहुत ही टेक्निकल चीज़ है। यानी कि ये आपका आरसीसी फ्लोर का सेक्शन है, तो इसमें जो एक्सपेंशन जॉइंट है ये आरसीसी फ्लोर के टॉप से लेके पूरा बॉटम तक आया हुआ है, यानी कि इसको और इसको टोटली सेपरेट कर रहा है। दूसरा, अगर मैं कंट्रोल जॉइंट की बात करता हूँ या फिर जो कंस्ट्रक्शन जॉइंट की बात करता हूँ, तो वो आपका कुछ इस टाइप का दिखेगा। यानी कि 6x8 mm का एक सफिशियंट ग्रूव है जो आपका काट दिया जाएगा कंट्रोल जॉइंट के केसेस में। जैसे कि आप देख सकते हैं ये फ्लोर के ऊपर ऊपर के केस में है, जबकि ये आपका नीचे तक नहीं आया है। तो इसको बोलते हैं हम लोग कंट्रोल जॉइंट या फिर कंस्ट्रक्शन जॉइंट, जो इस केसेस में काटे जाते हैं। तो अब बात आती है कि जब ये ग्रूव हमारे कट जाते हैं तो इसमें हमें भरना क्या होता है एक्सपेंशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन के लिए। इसमें हमें भरना होता है बेसिकली, ये जो आप देख रहे हैं ये होती है आपकी बेकर रॉड और ये होता है आपका मास्किंग टेप। यानी कि जो आपने ग्रूव काटा होगा तो उसमें आपको ये बेकर रॉड डालनी होती है अकॉर्डिंग टू कंट्रोल जॉइंट, एक्सपेंशन जॉइंट या फिर जो भी है। उसके बाद में आपको मास्किंग टेप लगाना होता है इसकी एजेस पे, और फिर आपका ये जो पॉलीसल्फाइड सीलेंट है, यानी कि जो कि मैंने आपको नीचे बताया हुआ था, बेकर रॉड एंड पॉलीसल्फाइड फॉर ग्रूव फिलिंग, तो ये चीज़ें आपकी इसमें भर दी जाती हैं। अगर आप इसका सेक्शन काट के देखोगे तो ये कुछ इस टाइप से दिखेगा। यानी कि ये आपका आरसीसी फ्लोर है, ये आरसीसी फ्लोर है, ये आपकी बेकर रॉड आ जाएगी और ये आपका सीलेंट इस टाइप से आ जाएगा। और बेसिकली अभी ये लिक्विड है, सेट होने के बाद में ये रबराइज्ड मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है। और अब बात करते हैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ की, यानी कि डायमंड। ये हम डायमंड क्यों प्रोवाइड करते हैं, यानी कि अगर आप इसमें देख रहे होगे, यानी कि ये जो डिटेल ए है, मैं इसको जूम कर देता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो डायमंड क्रिएट किए गए हैं ये क्यों किए गए हैं, और इसकी इसने डिटेल भी दी हुई है ड्राइंग में। यानी कि जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ, डिटेल ए आई थिंक दी हुई है इसमें, यानी कि ये देखिए डिटेल ए। तो ये क्यों दिए जाते हैं इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत सारे इंटरव्यू में पूछा जाता है। देखिए दोस्तों, कभी भी आपकी जो बिल्डिंग फैक्ट्री की बन के रेडी होती है तो उसके जो MS के पोस्ट हैं, यानी कि ये वाला जैसे कि आप देख रहे हो, तो यही चीज़, यानी कि ये जितने भी जॉइंट्स होंगे, तो यानी कि जितने भी आप ये कॉलम्स देख रहे हो वॉल की साइड में हैं या सेंटर में हैं, जैसा कि इसने इस ड्राइंग में दिखाया हुआ था। तो बेसिकली ये एक चीज़ क्रिएट करता है कि इसका जो कनेक्शन है, यानी कि ये जो कॉलम्स आप जैसे कि इसमें देख रहे हो, तो इसका जो कनेक्शन है डायमंड इन फ्लोर से क्रिएट ना रहे, यानी कि कोई भी आपस में कांटेक्ट ना रहे। उसका रीज़न क्या है कि कभी भी आपकी जब फैक्ट्री बिल्डिंग बनके तैयार होगी वो कुछ इस टाइप से तैयार होगी, और कभी भी आंधी आती है, जो हवा चलती है या जो भी एक विंड प्रेशर का जो लोड है वो इसके सरफेस पे, वो इस पर इम्पोज होता है। तो ये जो आपकी बिल्डिंग है, यानी कि ये जो आप देख रहे हो, ये कुछ ना कुछ मूवमेंट करती रहती है प्रैक्टिकली केसेस में। तो उससे क्या होगा कि अगर ये बिल्डिंग आपस में मूवमेंट करेगी तो उसका जो सीधा डायरेक्ट इफेक्ट है इसके फ्लोर पे पड़ता है, और फ्लोर में क्रैक आने के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसका जो मूवमेंट है वो फ्लोर पे ट्रांसफर होगा। तो बेसिकली यही पर्पज होता है इन डायमंड्स को प्रोवाइड करने का, कि जो भी एक लोड होगा, यानी कि जो विंड प्रेशर का लोड जब इस फैक्ट्री के आउटर सरफेस पे पड़ेगा, यानी कि बाहर से, तो जब ये बिल्डिंग इस डायरेक्शन में मूवमेंट करेगी, तो ये जो डायमंड है आपका उस क्रैक को आने को पूरा प्रिवेंट करेगा, यानी कि रोकेगा कि वो जो क्रैक्स हैं इसमें एक्सपेंड ना हो, कहाँ पर, इस VDF की फ्लोरिंग में। तो ये बेसिकली पर्पज होता है आपके डायमंड्स का, और ये हर एक कॉलम पे दिया जाना चाहिए अगर आपकी एक फैक्ट्री बिल्डिंग है तो। और अब लास्ट चीज़, यानी कि जो फैक्ट्री में मैंने बताया था, यानी कि जो ब्रूम फिनिश क्यों नहीं प्रोवाइड करते हैं, उसका रीज़न ये भी है कि कभी कभी फैक्ट्री क्या प्लान करती है कि उसको अपनी फैक्ट्री में इपॉक्सी फ्लोरिंग करानी है। इपॉक्सी बेसिकली बहुत ही अच्छी फ्लोरिंग होती है फैक्ट्री के केसेस में। जैसे कि सपोज ये किसी जो एरोप्लेन की फैक्ट्री है, जहाँ पर एरोप्लेन बनाए जाते हैं, तो उस केसेस में क्या होगा कि अगर हम लोग ब्रूम फिनिश कर देंगे
तो उस केसेस में जो इपॉक्सी का कंजम्पशन है यानी कि मटेरियल का कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो जिससे कि उसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाएगी। तो यही रीज़न होता है फैक्ट्री के फ्लोर में कभी भी ब्रूम फिनिश नहीं दिया जाता है एक्सेप्ट ऑफ यानी कि एक चीज़ को छोड़ के, यानी कि जो भी उसमें रैम्प होगा, यानी कि जो भी उसमें अगर रैम्प चढ़ रहा होगा तो उसमें सिर्फ ब्रूम फिनिश दिया जाएगा। रेस्ट ऑफ कोई भी एरिया होगा यानी कि बिल्डिंग में, यानी कि जैसे कि आप इस फ्लोर को देख सकते हो, तो इसमें कोई भी ब्रूम फिनिश प्रोवाइड नहीं किया जाता है। तो ये बेसिकली पर्पज होता है। आई होप गाइज आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, यानी कि VDF या ट्रेमिक्स फ्लोरिंग हमारी कहाँ पर यूज होती है, कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं, कौन कौन से मटेरियल हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।